आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का विषय बहुत ही सहज और आप सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी विषय है। विषय है भैरव तत्व को समझना, कि भैरव कौन है, और अगर समझ लिया तो भैरव जी की साधना कैसे करें। जो नए लोग हैं उनके लिए पूरा विषय नया होगा, जो पुराने लोग हैं उनके लिए 80% जो विषय है वो नया होने वाला है। जब हम बात करते हैं भैरव की, तो पुराणों से बहुत सारी कथाएं हमें सुनाई जाती हैं, जिसमें भैरव के प्रादुर्भाव का कथा है। लेकिन काल भैरव या भैरव अनंत से अनंत तक हैं, ये समझने का विषय है। भैरव जी का कभी भी अवतरण नहीं हुआ है। भैरव जी जो हैं वो हमेशा से थे, और हमेशा तक रहेंगे। मतलब सृष्टि का निर्माण हो नाश हो, उसमें इंद्रादि जितने भी देव हैं और मत्स्य आदि जितने भी 10 अवतार हैं, सबका नाश हो जाए, लेकिन भैरव जी का कभी अंत नहीं होता है। जब पुराण में ये उल्लेख आता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों के बीच एक वार्ता छिड़ गई कि उनमें श्रेष्ठ कौन है, अलग अलग कहानियां हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें जो मुख्य बात ये आई एक कथा में, कि वहां महादेव आते हैं दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए। तो महादेव ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि जो हमारा ओर छोर जान लेगा, क्योंकि महादेव जब आए थे वो एक प्रकाश पुंज के रूप में आए थे, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा ओर छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी नीचे की तरफ गए, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, और छोर कभी खोज नहीं पाए। और विष्णु जी आए और उन्होंने माफी मांग ली कि आप ही सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्मा जी ने माफी नहीं मांगी और उन्होंने एक कनेल का फूल लाके दिखा दिया कि एक छोर पर यह है, झूठ बोल दिया। महादेव को रोष आया और भैरव जी का प्रादुर्भाव उसी प्रकाश पुंज से हुआ और ब्रह्मा जी का मुख काट दिया। लेकिन इस पूरी कथा में यह है कि भैरव जी का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन कहां से हुआ ये थोड़ा एक असमंजस का विषय है। और पुराणों में और भी कहानियां हैं भैरव जी के बारे में, जैसे एक में है कि ब्रह्मा जी कामातुर होते हैं, सरस्वती जी इस पर नाराज हो जाती हैं, और फिर भैरव जी का आवाहन होता है और जो कामातुर मुख था ब्रह्मा जी का उसका मर्दन होता है। तो पहले मिथ्या मुख का मर्दन हुआ, फिर कामातुर मुख का मर्दन हुआ। एक और कथा है जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव तीनों बैठे हुए हैं, और ब्रह्मा जी महादेव को बोलते हैं कि तुमको हमने ही बनाया है और तुम हमारे बच्चे हो। उस पर ये जो उन्होंने एक अपना गर्व दिखाया, इसका जो मर्दन था इसको करने के लिए भैरव रूप में महादेव आए और उन्होंने जो ये महामाया से लिप्त ब्रह्मा जी थे उनके उस मुख को काट लिया। मतलब
लोभ मोहन महामाया तीनों मुक्का जो मर्दन किया वो भैरव जी ने किया। लेकिन इन सब विषयों में एक विषय जो गौण हो जाती है कि भैरव की उत्पत्ति कहाँ हुई। ये तो एक बात हुआ कि पहले से भैरव थे तभी तो वो प्रकट हुए ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ठीक है, तुरंत उनकी उत्पत्ति तो नहीं हुई थी, बालक रूप में वो आ गए। लेकिन अगर वो बालक रूप में प्रकट हुए, उन्होंने नारायण की तरह श्री राम या श्री कृष्ण के रूप में या 10 अवतार के रूप में जन्म नहीं लिया, वो तुरंत प्रकट हो गए, तो ये भैरव हैं कौन और कहाँ से आए? जब आप महादेव के बारे में पढ़ेंगे तो पुराणों में बताया गया है कि हम शिवलिंग का इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो महादेव के प्रतीक है। तो किस तरीके का प्रतीक है शिवलिंग? तो शिवलिंग एक ऐसा विग्रह है जिसका ओर छोर नहीं होता है। आप एक छोर को पकड़ेंगे, घूम करके वापस वहीं आ जाएंगे। या जिस शिवलिंग में अगर वो बानलिंग ना हो और साथ में उसका अर्घा या योनि लगी रहे तो आप दूसरे छोर तक जा ही नहीं सकते हैं, महामाया आपको बीच में ही रोक लेती है। शिवलिंग का दो भाग, एक तो अर्घा जो योनि मंडल भी जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको भगवती कहते हैं, जिसको दुर्गा के रूप में हम पूजन करते हैं, और दूसरा लिंग यानी प्रतीक महादेव का, वो एक स्पेरिकल बॉल होता है जिसका एक छोर पकड़ करके अगर आप चले तो सीधे वापस उसी छोर पर पहुंचेंगे। तो ये एक प्रतीक है उस प्रकाश पुंज का जिसका ओर छोर ब्रह्मा और विष्णु नहीं ढूंढ पाए थे। इसी को 5 भाग में बांटा गया, मतलब चारों दिशा में एक एक मुख माना गया महादेव का, और उर्ध्व मुख ऊपर जहाँ ब्रह्मा नहीं पहुंच पाए वो एक मुख माना गया, जो नीचे का मुख है वो महामाया के अंदर है तो उसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता है, या ऐसा कहते हैं कि वो नीचे जो है वो नवग्रह का स्थान है। तो वो जो 5 मुख है उसमें सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ये 5 मुख के नाम है। इसमें जो दक्षिण मुखी है, मतलब जो मुख महादेव का दक्षिण की ओर देखता है उस प्रकाश पुंज का, उसको अघोर मुख कहते हैं। अघोर मुख का जो शाब्दिक अर्थ लोग समझता है घोर से अघोर की ओर या फिर फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, सब इसलिए है क्योंकि अघोर जो है मूलभूत रूप से गुरु मुख कहलाता है। गुरु मुख का अर्थ है कि यही मुख जो है वो ज्ञान देते हैं, और ये जब ज्ञान देते हैं तो इनको ही भैरव कहा जाता है। तो महादेव जिनका आदि ना अंत है वो जब गुरु रूप में आते हैं तो वो भैरव कहलाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी तांत्रिक ग्रंथ हैं सब में जो संवाद है वो भैरव और भैरवी का है, जिसमें भैरव भगवती को बताते हैं कि तंत्र का क्या क्या प्रयोग है और तंत्र आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक कथा और आती है भविष्य पुराण में या फिर कालिका पुराण में, मुझे ध्यान में नहीं है, कालिका पुराण में, कि एक बार जो दोनों द्वारपाल थे कैलाश के, उनको भगवती ने श्राप दिया था। फिर भगवती जो है दक्ष यज्ञ में चली गई, महादेव जो हैं विचलित हो गए, महादेव को गायत्री ने श्राप दिया भगवती ने, और फिर भैरव जो है वो काली के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये एक और कथा है। तो बहुत सारे जो साबर मंत्रों में आप देखेंगे कि वो बोलते हैं कि भैरव भैरव काली के पुत्र, ठीक है, तो वो कथा वहीं से आती है, कालिका पुराण से आती है कि एक कहानी चली जिसमें भृंगी को जो है श्राप दे दिया जाता है और भृंगी जो है पृथ्वी पर आता है, महादेव का फिर एक पुत्र होता है, ठीक है। तो ये सारी कहानियां हैं। अब आते हैं कि हमें भैरव जी के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप महादेव की पूजा करते हैं तो आप भैरव जी की पूजा करते हैं। अलग से अगर आप पूजा करना चाहते हैं भैरव जी की तो उसके कुछ नियम हैं, ठीक है। सबसे आसान जो मैंने हमेशा बताया है कि आप लोगों को भैरव जी का, अगर काल भैरव की पूजा करें, बटुक भैरव की आप तस्वीर रख सकते हैं,
काल भैरव का कोई मंदिर है तो वहां की तस्वीर आप रख सकते हैं। यंत्र जो है वो काल भैरव का नहीं रखना चाहिए, यंत्र के बदले दीप यंत्र होता है। दीप यंत्र क्या होता है? एक चौमुखी दिया होता है, दीपक, और उस दीपक में जो है कम से कम 3 प्रकार और 7 प्रकार का अगर तेल दिया जाए तो बहुत उत्तम रहता है। उसको दे करके उस चौमुखी दिया को जब जलाते हैं तो भैरव जी का आह्वान करते हैं कि आप यहाँ रहिए, जब तक मैं पूजा कर रहा हूँ मेरे पूजा को ग्रहण कीजिए। और उसी जो अग्नि का पुंज है उसको भैरव मानते हुए वहाँ पर पूजा करना चाहिए, ठीक है। जो लोग यंत्र पे पूजा करते हैं, जो मानते हैं कि भैरव जी का यंत्र से पूजा होना चाहिए, आजकल तो किताबों में भी आप देखेंगे कि एक भैरव यंत्र दे देता है, तो उससे बचना चाहिए, यंत्रों की पूजा से बचना चाहिए। और यंत्र इसलिए बचना चाहिए, तो विषय यह है कि यंत्र किसी भी देवी देवता का जब यंत्र बनता है तो उसका एक समय होता है यंत्र बनाने का। दूसरा ये है कि जो सिद्ध है वही यंत्र बना सकते हैं उस मंत्र के। तीसरा ये है कि किस धातु का यंत्र बन रहा है या किस चीज़ पर यंत्र बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो जनरल मार्केट में यंत्र मिलते हैं वो तो बिल्कुल ही वर्जित, आपको अपने घर में कर देना चाहिए, भैरव जी के अलावा किसी का भी। जो भैरव यंत्र बनता है वो दो प्रकार से बनता है, एक तो वहां जहां उसको पूर्ण सेवा मिले, मतलब कारण वारण दिया जाए उसको, ठीक है, वो किसी गृहस्थ का घर नहीं होना चाहिए जहां वो यंत्र रखा है। दूसरा, जब वो यंत्र बनता है तो उसी समय आपको उस यंत्र को पूजा करके मिटा देना होता है, उस यंत्र को आप रख नहीं सकते हैं, ये एक उसका नियम होता है, ठीक है। इसीलिए यंत्रों में ना जा करके भैरव जी के लिए चौमुखी दिया जलाएं और उस पर ही भैरव जी की साधना और पूजा आप लोग करते रहें। भैरव जी को बहुत प्रिय है रविवार का दिन, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन साथ में बुधवार को भी भैरव जी की विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। चमेली का इत्र अति प्रिय है बाबा को, धूप में गूगल बहुत प्रिय है बाबा को, दीपक हमने बता दिया, आप सरसों चमेली मिला करके अलग से भी जला सकते हैं, जो चौमुखी दिया है उसके अलावा। एक चीज है कि लोग समझते हैं कि दक्षिण मुखी हो करके पूजा करनी चाहिए भैरव जी की, तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि दक्षिण मुखी पूजा जो है बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। जब बहुत विशेष प्रयोजन हो, जब कुछ बहुत विशेष पाना होता है, तो जो तांत्रिक साधक हैं वो दक्षिण की तरफ देख के पूजा करते हैं। दक्षिण मुखी भैरव की पूजा जो बोला जाता है कि करना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दक्षिण की तरफ देखें, उसका मतलब होता है कि भैरव दक्षिण की तरफ देखें, आप जो है उत्तर की तरफ देख करके पूजा करें, ठीक है। जिनको तांत्रिक साधना करनी हो वो एक त्रिकोण बना करके उसके बीच में रिंग लिख दें, तो ये मान्य भैरव यंत्र होता है, और साधना करने के बाद इसको मिटा देंगे, ठीक है। सबसे जो आसान मंत्र है जो भैरव जी का आपको करना चाहिए वो है ओम रिंग बटुकाया आपादु उद्धारणाया कुरु कुरु बटुकाया रिंग। इसमें ओम को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। काल भैरव की अगर आप साधना कर रहे हैं तो फिर मंत्र जो है एकाक्षरी है उनका, ब्रह्म ब्रह्म, ठीक है। तो ब्रह्म का जाप आप कर सकते हैं 108 बार एकाक्षरी मंत्र शुरुआत के लिए। जो दक्षिण मुखी भैरव की पूजा करेंगे यानी कि उनका मुख उत्तर की तरफ है, उनके लिए मंत्र हो जाता है ब्रह्म 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 भैरवाय नमः। और जो किसी और दिशा में देख के भैरव की पूजा करेंगे उनके लिए मंत्र होता है ब्रह्म भैरवाय नमः, ठीक है। भैरव जी को जो भोग चढ़ता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कारण की या फिर शराब का,
तो शराब जो है भैरव जी को चढ़ना चाहिए। उसका सबसे आसान तरीका है कि कारण पात्र में 3 बार आप शराब डालेंगे और बोलेंगे ओम श्रृंग फट। क्या? ओम श्रृंग फट, ओम श्रृंग फट। इसका एक लंबा मंत्र भी है, सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश, भैरव भैरव काली के पूत, कहाँ से आया 1.25 लाख अवधूत, गाजत आया हाजत आया, लोहे चना चबाकर आया, देख भैरव तेरा रूप, जन्म जन्म के भागे भूत, काला ऊन काला जनाओ, आओ बैठो पियो पानी, तीनों लोक की कहो कहानी, मनसा वाचा श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। इतना करने पर जो है भैरव जी पूर्ण प्रसन्न होकर के आप जो भी भोग देंगे उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ओम श्रीम फट करके 3 बार आपको कारण पात्र में कारण दे देना है। भैरव जी भोग क्या पाते हैं? तो भैरव जी काला उड़द तला हुआ, छोटी मछली तली हुई, ठीक है, उसके बाद जलेबी जो है वो खाते हैं, दही बड़ा, दही दही गुड़, भुना हुआ चना, ये सब खाते हैं। जब आप यंत्र भी बनाते हैं तो उसके चारों तरफ जो है इन चीज़ों को लगा देना चाहिए। भैरव जी का एक और जो रूप है वो है स्वर्ण आकर्षण भैरव का, जिसको धन प्राप्ति चाहिए, जिनको चाहिए कि उनके जीवन में बहुत धन रहे वो 3 अक्षर का जो मंत्र है पहले उसका जाप उनको करना चाहिए। मंत्र है श्रृंग रिंग एंग, ठीक है, श्रृंग रिंग एंग। इसका कम से कम 41 दिन का पहले उनको आयोजन करना चाहिए, रोज 21 माला कम से कम करें, फिर 41 दिन एंग रिंग श्रृंग एंग श्रृंग, ठीक है, एंग रिंग श्रृंग एंग श्रृंग, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये मूल जो है बीजाक्षर हैं स्वर्णाकर्षण भैरव के। तो 3 भैरव, बटुक भैरव यानी बाल भैरव, काल भैरव जो मुख्य भैरव हुए, और उसके बाद स्वर्णाकर्षण भैरव। इसके अलावा अष्ट भैरव हैं, और जो 108 शक्ति पीठ है उसमें अलग अलग भैरव है, हर भैरव का अलग अलग मंत्र है। लेकिन शुरुआत जो है, या फिर जो घर में गृहस्थ हैं उनको इन 3 भैरव में ही एक भैरव को चुनना चाहिए, ठीक है। भैरव का जब आप आवाहन करते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि किसी का आपको उतारा करना है, या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अनुचित हो रहा है, तो एक मंत्र बता रहा हूं, इसको लिख लीजिए। काल भैरो कपाली जटा, हाथ बराडा कुंड बड़ा, काला भैरो हाजिर खड़ा, चाम की गुत्थी लौंग की विभूत, भैरो भगाए मेरी मसान प्रेत भूत, लगे लगाए करे भस्मी भूत, काली बिल्ली लोहे का पक्खर, गुरु सिखाए अढ़ाई आखर, अढ़ाई आखर गए गुरु के पास, गुरु बुलाए काली आए, काली का लगा चक्कर, भैरव बाबा का लगा थप्पड़, लगा लगाया किया कराया, भेजा भजाया सब साफ खत्म। ये जो मंत्र है इसकी साधना आपको 41 दिन करनी होती है, हर रोज 4 माले से, ठीक है। सबसे पहले जो दीपक है उसमें भैरव जी का आवाहन होता है, उनका पंच पूजा होता है, रक्त चंदन, उसके बाद चमेली का इत्र, गूगल का धूप, कारण प्रसाद भोग इत्यादि दे करके, और फिर 41 दिन तक 4 माला इस मंत्र का जाप होता है, और अंतिम दिन लौंग और गूगल को मिला करके दशांश हवन किया जाता है, ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद किसी को भी कुछ अगर ऐसी समस्या हो, तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, तो पानी अगर फूंक करके आप उसको पिला देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा, ठीक है ना।
भैरव जी का एक मंत्र जो आप सभी जानते होंगे, ओम अगोरभ्य तगोरभ्य घोरघोरतरभ्य, ये भी काफी काम करता है। लेकिन इसको सिद्ध करने का तरीका ये है कि इस मंत्र को आप जब भी सिद्ध करेंगे तो किसी बरगद के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग स्थापित है वहीं पर हो सकता है, ठीक है ना। अन्य किसी भी शिवलिंग में हो सकता है कि ये सिद्ध हो जाए, लेकिन उसमें एक संशय रहता है। लेकिन अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे इसको सिद्ध करते हैं, कौन सा मंत्र, अघोर मंत्र, ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरत्रेभ्यो सर्वथा सर्वसेभ्यो नमस्ते रुद्रभ्यो, इस मंत्र को अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग हो और उसके दक्षिण मुख को देख करके आप पूजा कर रहे हो। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो स्कल कैप होता है, खप्पर, जो मानव कंकाल का खप्पर होता है, उस पे दीपक जलना चाहिए, ठीक है। वो ले करके, चाहे तो एक चमड़ा हो या फिर रुई भी हो, और सरसों के तेल में दीपक करना चाहिए। उससे ये मंत्र जो है बहुत प्रभावी होता है और बहुत जल्दी सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई भैरव जी के बारे में, भैरव तंत्र के बारे में। इसके अलावा जो जानने योग्य बात है भैरव साधना की, कि बहुत लोग डरते हैं कि भैरव साधना करने से उनके जीवन में कुछ क्षति पहुंच जाएगी, तो आपको इस बात को जानना चाहिए कि भैरव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आप किसी भी प्रकार से करते हैं आपको क्षति नहीं होती है। सिर्फ उल्टा पूजा नहीं करना चाहिए, जो आपको ज्ञान है वो ज्ञान किसी गुरु से लेकर के और उसी हिसाब से पूजा करें, कम पूजा करें लेकिन सही पूजा करें। होता ये है कि जब आप गलत पूजा करते हैं, चाहे वो मंत्र गलत हो या मंत्र विधान गलत हो, तो देवता का जो है अंग भंग होता है और वो कमजोर हो जाते हैं। तो कलयुग में अधिकतर देवता जो है वो अंतर्ध्यान है, वो मनुष्यों के संपर्क में ही नहीं है। आप जब बहुत तपस्या करते हैं तो वो देवता जो है पृथ्वी पर शायद किसी बहुत बड़े तपस्वी के लिए आ जाए। लेकिन भैरव महाराज जो है, इनको महादेव जी ने ये कार्य सौंपा है कि ये इस पृथ्वी पर विचरते रहे, और जो भी व्यक्ति समस्या ग्रस्त हो, जिसका समय जो है समाधान नहीं होने दे रहा हो, जो महामाया के प्रभाव में पड़कर बिल्कुल ही रसातल में चला गया हो, और फिर महादेव की शरण में, जो भैरव की शरण में है, उसको सही गति तक ले जाना, ये काम भैरव जी का है। जो देवता कलयुग के इस खंड में जो विराज रहे हैं इस पृथ्वी पर, उसमें एक है श्री हनुमान जी और दूसरे हैं काल भैरव जी। काल भैरव जी इसलिए तीव्र हैं क्योंकि हनुमान जो है वो पंच महाभूतों में इस पृथ्वी पर विचरते हैं। उनके पास आठों सिद्धियां होते हुए भी वो पंच महाभूत में, उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। और भैरव जो है वो देवता के स्वरूप में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वो पंच महाभूत के शरीर में नहीं है, ठीक है। तो उनके पूजा में जब त्रुटि होती है तो उनके जो गण है, चाहे वो वीर हो या बेताल हो, वो तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करते हैं, ठीक है। इनको दंडपानी भी बोला जाता है। हर दंड का ये जो है आपको, मतलब हर क्रिया जो गलत कार्य क्रियाकलाप होगा उसका ये आपको दंड देते हैं। तो अगर इनकी पूजा में त्रुटि होगी तो दंड तो मिलना है। इसीलिए अगर आप भैरव जी की साधना कर रहे हैं तो आप उतना ही करें, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, ये सारी चीजें शास्त्र सम्मत है। तो ये चीजें, ये मंत्र और इस विधान से जब आप पूजा करेंगे तो आपको, आपके साथ कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। देखिए, पूजा करने से ऐसे भी अनिष्ट कभी होता नहीं है, गलत पूजा करने से अनिष्ट होता है। तो जितना ज्ञान हो उतना ही पूजा करें। और काल भैरव महाराज का जो सबसे बड़ा बात है कि ये बहुत जल्दी सुनवाई करते हैं। आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो बहुत भक्ति भाव से या भाव विभोर हो करके, जितना मैंने आपको बताया कि भैया
एक दीपक जलाना है, ये अगरबत्ती जलाना है, ये धूप जलाना है, तो वो अगर आप करते रहेंगे तो आपको जो है पूर्ण फल मिलेगा इनकी भक्ति का, आपका समय तो तय बदलेगा। अब आते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, जिनको एडवांस लेवल में इनकी साधना करनी है, तो हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी की जो रात्रि होती है उस रात्रि को काल भैरव जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, और साल में एक जो अष्टमी होती है वो मुख्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो हर महीने का जो अष्टमी है कृष्ण पक्ष का, उस दिन तय पूर्ण रूप से पूजा करें बाबा की, मतलब उसमें अगर अघोर विधि से करते हैं। हाँ, ये भी एक विषय है जो आपको जानना चाहिए कि अघोर औघड़ जो है वो क्या होता है। तो एक जो विचार है वो ये है कि जो भी अघोर साधनाएं करता है उसको औघड़ कहते हैं, और जो घर में रह के अघोर साधनाएं करता करता है उसको औघड़ कहते हैं। लेकिन एक और डेफिनेशन है औघड़ का, कि जो भी भैरव का प्रसाद प्राप्त करता है वो औघड़ होता है। ठीक है, तो औघड़ विधान से इनका जो पूजा करना चाहते हैं, जो तांत्रिक विधान से करना चाहते हैं, उनको हर अष्टमी को इनको भोग में जो राजसिक चीजें हैं वो देनी चाहिए। जैसे मीठा, मीठे में क्या, तो मीठे में जलेबियां खाते हैं महाराज, उसके बाद पापड़ तला हुआ, भुना हुआ चना, दही बड़े खाते हैं, फिर तामसिक में कारण, भुना हुआ मछली, जो बकरे का कलेजा होता है वो। और जब आप तामसिक पूजा करते हैं तो जो धूप हम जलाते हैं बाबा के सामने, उसमें भी कलेजे का टुकड़ा एक डालते हैं। ये जो खुशबू है ये बाबा को अत्यंत प्रिय है, और उसके बाद हवन करना चाहिए। हवन की सामग्री हमेशा लौंग और गूगल ही रहे। कभी भी जब भैरव की आराधना करते हैं तो तिल या इत्यादि जिस सामग्री की आपको जानकारी नहीं है वो सामग्री आप हवन में ना दें, और जब हवन को आप पूर्ण करते हैं तो उसमें कारण का भोग अवश्य दें। ठीक है, अगर आप बटुक भैरव जी की साधना कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से आप सात्विक रखेंगे, उसमें कारण नहीं देंगे, उसमें आप गुड़ का जो है शरबत बना करके देंगे। हाँ, उसमें आप कोशिश करेंगे कि जो मांसाहारी चीजें हैं, जो तामसिक चीजें हैं, वो ना दे करके पूर्ण रूप से उनको सात्विक जो है भोजन कराएंगे। और यही जो है सिद्धांत जो है स्वर्ण आकर्षण भैरव में भी लगता है, लेकिन जो पूर्ण अघोर साधना करते हैं उनके स्वर्ण आकर्षण भैरव के यंत्र में तामसिक चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो जितना आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा टेक्निकल बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन एक आम गृहस्थ को बहुत ही बेसिक चीजों को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे आपका भाव और भक्ति बढ़ता जाएगा, काल भैरव एक ऐसे देवता है जो आपका मार्ग स्वयं प्रशस्त करेंगे। आप लोगों को रांची वाले भैरव बाबा का जो मंदिर बना, इसकी कहानी पता ही होगी कि हम एक समय में जब सक्षम नहीं थे कि बाबा को कहाँ काल भैरव जयंती में बलि दे, तो किसी नेता के घर में हम बलि देते थे। एक बार कुछ मन मुटाव हुआ, हमने सोचा कि अब हम बलि अपने ही स्थान पर देंगे, ऐसा सोच करके फिर हम भूल गए। अचानक से एक प्रस्ताव आया कि एक मूर्ति आ रही है, कोई मूर्ति देना चाहता है 1.25 फीट की। तो हमने बोला नहीं, उसको 1.25 करवा दो। फिर जो मूर्तिकार था उसने बोला नहीं, हम अब 1.25 करेंगे। इस तरीके से तय होता चला गया, स्थान तय हुआ जादुई तरीके से। आज 5 साल में मंदिर इतना बड़ा है जितना बड़ा शायद हमारे शहर में कोई मंदिर नहीं है। तो बाबा अपने तरीके से अपनी व्यवस्था को खड़ा करता है। आपका काम है कि जो सबसे बेसिक तरीका है उससे बाबा की जो उंगली है उसको पकड़ लीजिए, उसके बाद बाबा आपका हाथ पकड़ के अपने साधना, अपने विधान और अपने करीब आपको खुद ब खुद दे लेंगे। प्रथम अध्याय काल भैरव जी के बारे में यहाँ समाप्त हुआ। अगले अध्याय में जो और तांत्रिक विधान है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है और लाभ लेना है और ये जानना है कि आखिर तंत्र में होता क्या है, तंत्र मार्ग में होता क्या है, वो बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये एक पेड ग्रुप है, इसमें जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9431188585। इसी नंबर पर आप अपॉइंटमेंट भी मुझसे ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान काल भैरव आपको
उनकी साधना करने का मौका दे, अवसर दे, ऐसा मेरे उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश, महाप्रभु को आदेश आदेश, हरक आदेश, आदेश।